लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ चार्ज तो ये हमारी आप देख सकते हो रिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो मैंने रेड कलर से डिनोट करी है ठीक है और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल प्लस से जो कि थीटा एंगल बना रहा है थीटा हमको थर्टी डिग्री के बना है और तो थर्टी डिग्री से ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इसकी रेडियस बतानी की कितनी रेडियस होगी तो जब भी आप थीटा एंगल से इसको प्रोजेक्ट करोगे तो इसकी वेलोसिटी के ना दो कंपोनेंट बन जाएंगे एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज़ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड तो ये वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी का आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आएगा और इसको हम बोलेंगे वी कॉस थीटा इसको हम वी पैरेलल भी बोलते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है एक कॉम्पोनेट आएगा इधर जिसको बोलते हैं वी परपेंडिकुलर दैट इज वी साइन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है अब जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लगेगा वो होगा थीटा थीटा ठीक है अब sin क्या है अब क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल तो अगर मैं इस वाली वेलोसिटी की बात करूं वी पैरेलल की तो वी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है तो दोनों के बीच दोनों वेक्टर्स के ये वी पैरेलल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री हुआ तो साइन जीरो जीरो होता है तो यानी कि इस वाली वेलोसिटी की वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वी परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वजह से ठीक है तो वी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो दोनों के बीच में एंगल नाइनटी डिग्री हो गया तो यस सिर्फ यही वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का इसी की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पर स्टार्ट तो कर देता है अगर कर सकता है तो अदरवाइज आर्क भी करता है तो यहां पे तो वो पूरा सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा तो ये जो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये वाली वेलोसिटी है तो रेडियस का जो फॉर्मुला होता है वो होता है एम वी बाई क्यूबी ये हम लोग डिराइव कर सकते हैं डिराइव कैसे कर सकते हैं देखो इसको क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन के लिए क्या रिक्वायर होता है सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर तो मैंने यहाँ वी परपेंडिकुलर लिखा है क्योंकि यही परपेंडिकुलर कम्पोनेट सर्कुलर मोशन कराने में रेस्पॉन्सिबल है ठीक है और ये किसके बराबर कर देंगे हम क्यू वी बी के ये क्यू वी बी क्या है मैग्नेटिक फोर्स तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो आर आर जा, आ जाएगा हमारा एम वी बाय क्यू बी तो ये हमारी रेडियस आ गई अब रेडियस वी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है वी परपेंडिकुलर की वैल्यू है वी साइन थीटा ठीक है तो यहाँ पे वी साइन थीटा सब्सिट्यूट कर दिया अब क्यू बायम ये ई e बायम हमको गिवन है क्यू बायम का रेशियो हमको गिवन है वेलोसिटी हमको गिवन है ये वेलोसिटी हमको गिवन है थीटा हमको गिवन है मैग्नेटिक फील्ड हमको गिवन है सारा डेटा यहाँ सब्सिटूट करेंगे सॉल्व करके हमारा आ जाएगा टू सेंटीमीटर आंसर थैंक यू फॉर वॉचिंग